दोस्तों किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय ताकत वहां के पासपोर्ट रैंकिंग से देखी जाती है, मतलब कि कौन सा देश अपने पासपोर्ट के माध्यम से ज्यादा कंट्रीज में जा सकता है बिना वीजा के। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कौन से देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा ताकतवर है, टॉप 5 ताकतवर पासपोर्टों को हम लोग जानेंगे और कौन से देश सबसे कमजोर और भारत का पासपोर्ट इस लिस्ट में कहां टिका हुआ है, पासपोर्ट की ताकत कौन सी संस्थान बताती है और भारत के पड़ोसी देशों के पासपोर्टों की लिस्ट में कौन से नंबर पर है। ये सारी बातें हम पासपोर्ट ताकतवर होने से क्या लाभ हो सकता है और पासपोर्ट से जुड़े हुए रोचक तथ्यों को जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलते रहे। दोस्तों पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले इंग्लैंड की एक संस्थान हेनली एंड पार्टसन ने 2022 के लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है, जो साल में 2 बार रैंकिंग करता है, पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। 199 देशों में जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। दोस्तों यहाँ के नागरिक बिना नागरिक वीजा के 193 देशों में यात्रा कर सकते हैं। वैसे तो जापान के शीर्ष रहने की वजह कई हो सकती है, लेकिन यहाँ के लोग शांति पसंद होते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं और यहाँ के लोग केवल घूमना या बिजनेस के मकसद से यात्रा करना पसंद करते हैं। दोस्तों ये घूमने या यात्रा करने में खुलकर खर्चा भी करते हैं। दोस्तों उसके बाद दूसरे नंबर पर है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का पासपोर्ट, ये दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जिनके नागरिक बिना नागरिक वीजा 192 देशों में यात्रा कर सकते हैं। वहीं तीसरे नंबर के शक्तिशाली पासपोर्ट जर्मनी व स्पेन देश के पासपोर्ट है, जिनके नागरिक बिना नागरिक वीजा के 190 देशों में यात्रा कर सकते हैं। वहीं हम दोस्तों फोर्थ नंबर के शक्तिशाली पासपोर्ट की बात करें तो फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग देश के पासपोर्ट हैं, जिनके नागरिक बिना नागरिक वीजा के 189 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। वहीं फिफ्थ नंबर के शक्तिशाली पासपोर्ट की बात करें तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन के पासपोर्ट हैं। इस देश के पासपोर्ट से इस देश के नागरिक बिना नागरिक वीजा के 188 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों वहीं भारत के पासपोर्ट की ताकत की बात करें तो पासपोर्ट रैंकिंग में 87 है, जिनके नागरिक बिना नागरिक वीजा के 60 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों जो पिछले रैंकिंग से 3 स्थान फिसल कर रह गया है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो दोस्तों भूटान के पासपोर्ट की रैंकिंग 93, जिनके नागरिक बिना नागरिक वीजा के 54 कंट्रीज में घूम सकते हैं। वहीं दोस्तों श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के पासपोर्ट की रैंकिंग 103 रैंक है, जिनके नागरिक बिना नागरिक वीजा के 42 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं बांग्लादेश के पासपोर्ट की रैंक की बात करें तो 104 यानी 104 वी रैंक, बिना नागरिक वीजा के ये बांग्लादेश के नागरिक 41 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वहीं पाकिस्तान कंट्रीज की बात करें तो दोस्तों यहां के पासपोर्ट की रैंक है 109, जिनके नागरिक बिना नागरिक वीजा के 32 कंट्रीज में ही विजिट कर सकते हैं। वहीं लोवेस्ट 5 देशों की बात करें तो जिनके पासपोर्ट बहुत ही कमजोर हैं, उनके नाम है अफगानिस्तान, जिसकी पासपोर्ट रैंक है 112, जिनके नागरिक मात्र 27 कंट्रीज में नागरिक बिना नागरिक वीजा घूम सकते हैं। वहीं 111वीं रैंक की बात करें तो 111वीं रैंक पासपोर्ट में इराक देश का पासपोर्ट है, जिनके नागरिक बिना नागरिक वीजा मात्र 29 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। वहीं N110 रैंक में देखें तो सीरिया का देश का पासपोर्ट आता है, जिनके नागरिक बिना नागरिक वीजा के मात्र 30 कंट्रीज में ही विजिट कर सकते हैं। अब आती है दोस्तों 109वीं रैंक, जिसमें पाकिस्तान देश के पासपोर्ट की स्थान आता है। दोस्तों इस देश के पासपोर्ट से बिना नागरिक वीजा यहाँ के लोग मात्र 32 कंट्रीज में ही विजिट कर सकते हैं। वहीं 108 यानी 108 वी रैंक में यमन देश के पासपोर्ट की रैंक आती है, इस देश के नागरिक बिना नागरिक वीजा 34 कंट्रीज में ही विजिट कर सकते हैं। दोस्तों पासपोर्ट के कवर के रंग अलग अलग होते हैं और सभी रंगों का अपना एक मीनिंग होता है। भारत में 4 रंगों के पासपोर्ट इशू किए जाते हैं, फिर आइए जानते हैं इन रंगों का क्या अर्थ होता है। जनरली पासपोर्ट ब्लू कलर का इशू किया जाता है। दोस्तों ब्लू रंग का पासपोर्ट आम नागरिक को जारी किया जाता है,
लेकिन इसके अलावा मैरून, व्हाइट एंड ऑरेंज कलर के होते हैं। नीले रंग का यानी ब्लू रंग का पासपोर्ट आम नागरिकों को जारी किया जाता है। ये भारतीयों के आम नागरिक होने की पहचान यानी आइडेंटिटी होता है। वहीं ऑरेंज कलर के पासपोर्ट उन भारतीयों को इशू किया जाता है जो 10वीं तक यानी 10 तक एजुकेट हुए हैं यानी पढ़े हुए हैं और विदेश में मजदूरी करने के लिए जाना चाहते हैं, उनको ये ऑरेंज कलर का पासपोर्ट इशू किया जाता है। वहीं दोस्तों व्हाइट कलर के पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल को इशू करते हैं जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं और सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा पर जाते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों मैरून कलर के पासपोर्ट की बात करें तो ये भारतीयों के उच्च योग्य से संबंधित अधिकारियों यानी ऑफिसर को जारी किया जाता है जो भारत को विदेशों में रिप्रेजेंट करता है। इस पासपोर्ट धारी को किसी वीजा की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों वीजा से संबंधित जानकारी और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों पासपोर्ट से संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी इंफॉर्मेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी पासपोर्ट से संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।